हेलो किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल विशाल तोमर देसी पर स्वागत है। और आप देख रहे हैं खेती देसी एंड टेक्नोलॉजी पता तारी वीडियो। और आज है 13 अगस्त 2021। और जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। गन्ने से जुड़े टॉपिक है। और आपको सभी को पता है कि अगस्त का जो महीना है उसमें जो बारिश होती है वो कम हो जाती है, और बारिश कम होने से गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गन्ने में भी जो बढ़वार है वो तेज़ी से होती है, और बढ़वार तेज़ी से होने से जो कीटों का प्रकोप है वो भी बढ़ जाता है, रोग वगैरह लग जाते हैं। तो जिस किसान भाइयों ने पेड़ी गन्ना बंधवा दिया है तो उसमें पानी लगा दें, लापरवाही ना करें। और पानी के साथ में अगर आप कीटनाशक या खाद वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, बिना कीटनाशक के खाद ना लगाएं। उससे रोग जो होते हैं वो जल्दी आते हैं आप गन्ने में। और ये हमारा अगेती गन्ना है अप्रैल के शुरू का, और इधर पेड़ी गन्ना है जो बन चुका है, और अब इसमें कल या परसों में पानी लगाएंगे। और पानी के साथ में जो कीटनाशक वगैरह लगाएंगे हम आपको दिखाएंगे। और इधर हमारा जो ये पौधा गन्ना है इसकी मैंने पत्ती उतार दी है चारों तरफ से। और ये हमारी जो बीच की नाली है, कच्ची नाली है, इसमें मैंने स्प्रे किया था तो अभी तक इसमें कोई घास नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ नाली है, और दोनों तरफ की मैंने पत्ती उतार दी है पेड़ी गन्ने के भी, और इधर जो अगेती गन्ना है पौधा उसकी भी उतार दी है। आज मैं आपको बताऊंगा पत्ती उतारने के फायदे नुकसान, और जो किसान भाई मेहनत करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि पत्ती उतारने के फायदे या नुकसान क्या है। तो जैसे हमने अपने पत्ती उतारी अपने पौधे की, तो आप जब पत्ती उतारें तो ध्यान रखें कि जो सूखी पत्ती है जो सूख चुकी है उसी को उतारें, या जो गन्ने ने छोड़ दी है पत्ती। मैं दिखाता हूँ कैसे, ये हमारे गन्ने की पत्ती है, तो इस तरह की पत्ती जो होती है ये हाथ लगाने से छूट जाती है अपना भी। देखिए सिर्फ सूखी पत्ती ही उतारनी है, इस तरह की जो पत्तियाँ होती है उनको ना उतारें। जब पत्ती सूख जाएगी इस तरह से तो ये जब गन्ना पत्ती को छोड़ देता है ये देखिए इस तरह आसानी से उतर जाती है पत्ती, उसी को उतारें। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए इनमें जो कीटों के जो लार्वे होते हैं या अंडे होते हैं, ये देखिए इनसे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आपको दिख रहा होगा ये देखिए, ये किसी कीट के अंडे हैं, ये देखिए पिछड़ा भैया, ये देखिए किस तरह से अंडे दिए हुए हैं। तो जब आप पत्ती तो हटा देते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, और जो कीट होता है वो अंडे नहीं दे पाएगा। ये देखिए, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है पत्ती उतारने का।
और जो किसान भाई कहते हैं कि पत्ती उतारने में नुकसान है, नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, जो किसान भाई गन्ने की बुवाई करते हैं और गन्ने का पूरा भाग होता है उसको बुवाई करते हैं, तो उनके लिए नुकसान है, क्योंकि जो आँखें हैं उनको नुकसान हो सकता है पत्ती उतारने से, और डैमेज भी हो सकती है। और जो किसान भाई 2 या 2 या 2.5 फीट ऊपर गन्ने बोते हैं या बुवाई करते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा है। तो आप अगर आप 2 फीट ऊपर से गन्ना बोते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज की मात्रा है वो जो 2 फीट का गन्ना होता है उसमें ज़्यादा होती है, और जो उसकी आँखें होती है उसका जो जमाव है वो लेट होता है, और लेट होने से जो उसमें रोग लग जाते हैं, और जो ऊपर का भाग होता है उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम रहती है, पानी ज़्यादा रहता है, तो उसका जो जमाव है वो अच्छा होता है और जल्दी होता है। तो पत्ती उतारने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान कम है, फ़ायदे ज़्यादा है। और जिन किसान भाइयों के यहाँ पर जंगली पशुओं का ज़्यादा प्रभाव है तो वो पत्ती ना उतारें, इससे जंगली जो पशु होते हैं वो जल्दी इसको नुकसान पहुंचा देते हैं गन्ने को। और जिनके यहाँ पर जंगली पशुओं का प्रभाव कम है वो पत्ती उतार सकते हैं, और इससे जो हवा है आसानी से आपके खेत में चलेगी, और इससे गन्ने का जो मोटाई है उस पर भी असर पड़ता है, गन्ना मोटा होता है हवा से, और हो सके तो अपने खेतों में जो खरपतवार होते हैं उनकी या तो स्प्रे कर दें, अगर स्प्रे नहीं कर सकते आप जो खर्चा है वो बचाना चाहते हैं तो खुरपे से आप लड़ाई भी कर सकते हैं इस तरह से, हल्की हल्की, ज़्यादा गहरी ना करें जिससे कि खरपतवार ख़त्म हो जाए। इससे 2 फायदे हैं इस तरह की नुराई करने से अगस्त के महीने में। एक तो जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और जो आपने खाद वगैरह डाली हुई है वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी, जिससे आपकी जो पैदावार है उसमें इजाफा हो जाएगा। और जब आप पानी लगाएंगे गुड़ाई करने के बाद में, तो आपको जो रिजल्ट है वो अलग ही देखने को मिलेगा गन्ने में। और जब खरपतवार कम रहेंगे तो पानी भी जल्दी आ जाता है खेतों में, और आप घुस कर भी देख सकते हैं। ज़्यादा खरपतवार रहेंगे तो जो जहरीले कीट होते हैं उनसे आपको नुकसान हो सकता है, तो जब भी नुड़ाई करें तो जो जस्ताने वगैरह आते हैं ये गन्ने छिलाई वाले, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं आप, और अपने खेतों के चारों तरफ सफाई रखें। अगर आपके पास ऐसी कच्ची नाली है तो उसमें स्प्रे कर दे बारिश आने से पहले, और दोनों तरफ की जो पत्तियाँ होती हैं वो उतार दें, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, और आपको आप किसी भी टाइम आए रात में भी, अगर इमरजेंसी होती है आपको रात में आने की तो उसमें भी आसानी से आ जा सकते हैं। और जब सफाई रहती है आपके खेत में तो जो जंगली पशु होते हैं वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको आप आसानी से देख सकते हैं, तो
जो जंगली पशु होते हैं वे वहीं पर रुकते हैं जहाँ पर ज़्यादा खरपतवार होता है। तो ये दो तीन काम है आप अगस्त के महीने में कर सकते हैं। उसका जो बेनिफिट है वो आपको ही मिलेगा है ना भैया। एक तो घंटे का टाइम निकाल ले डेली आप खेत पर आए तो एक दो घंटा काम कर ले उसका फायदा ही मिलेगा। क्योंकि जो किसान भाई मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करके अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो ये दो तीन काम कर सकते हैं अगस्त के महीने में। और जब मैं अपने गन्ने में पानी लगाऊंगा तो उसके साथ में जो कीटनाशक लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका भी एक तरीका है। अगर आप गन्ने में घुसना नहीं चाहते हैं और बाहर से ही आप कीटनाशक लगाना चाहते हैं या खाद वगैरह लगाना चाहते हैं उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ये अगस्त के महीने में आप दो तीन काम कर सकते हैं जिसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और जब सफाई रहती है तो आपका मन भी लगता है काम करने में, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो फिर 10-15 दिन लेट हो जाएगा आपका काम और उसमें आपको जो पैदावार है आपकी उसमें गिरावट आ जाएगी और ख़र्चा बढ़ जाएगा आपका और आपको उतना समय भी नहीं मिलेगा बाद में कि आप अपने जो गन्ने की है उसकी देख रेख कर सकें। तो किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और जो किसान भाई ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें, मेहनत बाद में करें। अब अगर आप अच्छे रहेंगे तो तभी आप अपनी मेहनत कर पाएंगे और आपका मन भी लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो किसान भाई चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आइकन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।